सिंह संगे जलधारी करब। जी हाँ, ये गाना पोल बम का तीसरा सॉन्ग आ चुका है पवन सिंह का, वो भी यशी फिल्म पर बिना अनाउंसमेंट के। ये बड़ा ही गलत किया लोगों का कहना है, लेकिन हम आपको बता दें, जो लोग तोहमत लगा रहे हैं पवन सिंह पर, वो उनके लिए जवाब है। वैसे भी यशी फिल्म ने ये गाना कोई अनाउंसमेंट के बगैर लेकर आ रही है, बगैर पोस्टर के लेकर आ रही है, कुछ नहीं, बस इतना सा कहा गया है कि पवन सिंह का तीसरा बोलबम गाना आ रहा है, पवन सिंह संगे जलधारी करब। और आपको बता दें, अब मीडिया हाउसेस के पास अगर खबरें आ जाती हैं तो वो बता देते हैं लोगों को, उनके फैंस को। तो आपको अगर जाना है तो यशी फिल्म पर, यशी फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ देखिए, यशी फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ देखिए। साथ ही इस गाने में उनका साथ दिया है उनकी फेवरेट प्रियंका सिंह ने, और म्यूज़िक अरुण बिहारी का है। और आपको इससे रिलेटेड एक और बात बताते, इसका वीडियो जल्द ही शूट किया जाएगा, क्योंकि रानी चटर्जी इन दिनों बिहार में है, और इस वजह से पवन सिंह का ये गाना जल्द शूट किया जाएगा और इसका वीडियो 3 दिन के अंदर में आएगा। जी हाँ, आपको ये बता दें, भले ही अनाउंसमेंट करके ऑडियो नहीं आया, लेकिन वीडियो इसका 3 दिन के अंदर आएगा और जल्द ही आएगा। वैसे लोग लगातार तोहमत लगा रहे हैं पवन सिंह पर कि पवन सिंह इस तरह बैक टू बैक गाने लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्लानिंग और स्टडी के साथ लेके आया जा रहा है ये सारा गाना। आपको ये बता दें कि पवन सिंह खेसारी की तरह एक दिन में 2 गाने नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, पवन सिंह खेसारी की के तर्ज पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि किस तरह खेसारी लाल यादव 2-2 गाने रिलीज़ कर रहे हैं, इससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि पवन सिंह एक दिन में सिर्फ 1 ही गाना ला रहे हैं, और वो भी यशी फिल्म के बैनर तले लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हर 2 दिन बाद पवन सिंह का कोई ना कोई गाना आता रहेगा, लेकिन इसका ऑडियो रिलीज़ जल्द ही आएगा, 3 दिन के बाद आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आपको जाना है तो पवन सिंह का तीसरा बोलबम गाना सुनना है तो सुन लीजिए। कहा जा रहा है ये बड़ा ही ज़बरदस्त सॉन्ग है, और ये सॉन्ग भी रिकॉर्ड बना कर रहेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।